अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? ठीक ठाक। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप YouTube से कैसे मनी यानी पैसे कमा सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम YouTube। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि आप YouTube से कैसे पैसे कमा सकते हैं और किन किन तरीकों से आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले और आसान तरीका जो YouTube से पैसे कमाने का है वो क्या है कि एडसेंस यानी आप अपने वीडियोज़ को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर जो है आपने कंप्लीट करना है और इसको एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। यानी ऐसे नहीं है कि आपने 2015 में चैनल खोल लिया और 2016 में आपने ये कंप्लीट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने अगर 2015 में अपना चैनल जो है खोला था और 2020 में आपका चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो आपको वो यूट्यूब वाले 2019 से लेकर 2020 तक यानी 365 डेज के अंदर आपको चेक करेगा कि इसके अंदर अंदर आपने ये कंप्लीट किया है कि नहीं। तो अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको कुछ भी दिक्कत करना नहीं है, आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा और आप बैंक थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के और आपके अकाउंट में भी इसके पैसे आ सकते हैं। तो आप जो है एडसेंस के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि आप किसी भी जो है प्रोडक्ट का जो है स्पॉन्सरशिप करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है आप इसके जो है स्पॉन्सरशिप करें यानी इसके एडवर्टाइजमेंट करें और हम आपको पैसे दे देते हैं। तो सेकंड तरीका ये है कि आप एडवर्टाइजिंग करेंगे खुद से किसी भी कंपनी से, उसके जो है प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे और इसके जो है मशहूरतियाँ करेंगे तो आपको वो पैसे देंगे। तो सेकंड तरीका आपको ये है। और थर्ड तरीका ये है कि आप अगर मशहूर हो जाए और आप अपने चैनल को जो है फेमस कर जाए तो लोग आपको जो है जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो आपको पे करेंगे और उसके जो है उसको शॉर्ट आउट देंगे और उसके चैनल को भी प्रमोट करेंगे, तो आपको वो भी जो है पैसे दे सकते हैं। तो ये तरीके थे आप YouTube से अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपने YouTube पर आना है और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी क्वालिटी के साथ रेगुलरली एक या दो वीडियोस अपलोड करते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको ज़रूर भी ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो एक आदमी ने जज साहब से कहा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब को जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि किस वास्ते हैं? तो उस आदमी ने कहा अल्लाह के वास्ते।